आज हम बात करेंगे SMPS पावर सप्लाई के बारे में, और इसको हम कंट्रोल यूनिट भी कहते हैं। जो इसको मैन्युफैक्चर करती है वो है कंपनी डॉल्फिन। ये उनका काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है। ये यूजुअली सेंसर मैन्युफैक्चर करते हैं इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर। जिनके पास DC सप्लाई नहीं होती स्मूथ, ये उनको यूज़ करना होता है। ये सेंसर को ड्राइव करने के लिए यूज़ करते हैं। सेंसर को जो सप्लाई दी जाती है DC वोल्ट, ये AC को DC कन्वर्ट करता है, 24 वोल्ट VDC में कन्वर्ट करता है। और इसमें जो स्पेशल थिंग ये है कि इसमें एक इनबिल्ट रिले होती है। सेंसर की आउटपुट के साथ एक रिले लगी हुई होती है। वो जैसे सेंसर की आउटपुट आती है, PNP आउटपुट हो या फिर NPN आउटपुट हो, दोनों फंक्शनैलिटी है इसमें। वो उस रिले को ट्रिगर करता है। अगर NPN सेंसर था तो NPN के साथ ये वाली रिले ट्रिगर होगी, और अगर PNP सेंसर है तो उसके साथ ये वाली रिले ट्रिगर होगी। बीच वाला पॉइंट इसका और इसका कॉमन है, और ये वाला पॉइंट NC इस रिले के लिए, ये दोनों पॉइंट उसके लिए NC, ये वाला NO और ये वाला भी NO। सेंसर के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये है आउटपुट। ये वाला आउटपुट जो है, ये अगर NPN सेंसर है उसके लिए, और अगर PNP सेंसर है उसके लिए ये है आउटपुट। 220 वोल्ट VAC सप्लाई होगी, और जो सप्लाई जो सेंसर को मिलेगी वो होगी 24 वोल्ट VDC। इसमें LED इंडिकेशन भी है पावर सप्लाई की, और रिले जब ऑन होगी उसकी, दोनों रिले की LED इंडिकेशन है यहाँ पे।